हेलो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेस्पायरेशन दैट इज श्वसन के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। और श्वसन में हम लोगों ने एक्सटर्नल रेस्पायरेशन के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया हुआ था। आज के लेक्चर में हम लोग इंटरनल दैट इज अंतः श्वसन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अंतः श्वसन किसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे? इंटरनल रेस्पायरेशन दैट इज अंतः श्वसन। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा अंतः श्वसन। अंतः श्वसन, ये जो अंतः श्वसन होता है प्यारे बच्चों, ये कहाँ पे होता है? कोशिकाओं के अंदर होता है। तो यहाँ पे अंतः श्वसन के नीचे जो है आप लोग लिखेंगे, ये हेडिंग डालेंगे आप, हेडिंग के नीचे लिखेंगे, इस अंतः श्वसन को हम लोग इंग्लिश में इंटरनल रेस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, इंटरनल रेस्पायरेशन क्या होता है? INTER, इंटरनल रेस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पायरेशन। ओके, तो इंटरनल रेस्पायरेशन के अंदर जो है आप लोग लिखिएगा, उसी के अंदर लिखिएगा, कोशिकाओं के अंदर होने वाले श्वसन को अंतः श्वसन में आप लोग लिखिएगा, कोशिकाओं के अंदर होने वाले श्वसन को, जो एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? श्वास पढ़ा हुआ था, ब्रीदिंग पढ़ा हुआ था। जो ब्रीदिंग होती है वो क्या होती है? कोशिकाओं में नहीं होती है, वो क्या होती है? कोशिकाओं के बाहर होती है। तो वहाँ पे एक्सटर्नल में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जो है जितने भी चीज़ें होती हैं एक्सटर्नल में, जितनी भी ब्रीदिंग वगैरह होती हैं, श्वास होती है, उसमें इनहेलिंग करते हैं, एक्सहेलिंग करते हैं, वो सब क्या होता है? वो सब के सब जो होता है वो एक्सटर्नल के थ्रू आता है। आज जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो क्या है? इंटरनल, दैट इज अंतः श्वसन। तो हेडिंग डाल लीजिएगा जो है इंटरनल रेस्पायरेशन में, हेडिंग के आगे लिखिएगा, कोशिकाओं के अंदर होने वाले श्वसन को अंतः श्वसन कहा जाता है। कोशिकाओं के अंदर होने वाले श्वसन को अंतः श्वसन कहा जाता है। अब इसमें देखेंगे कि ये जो इंटरनल रेस्पायरेशन है, इसको जो है थोड़ा सा डिवाइड किया गया है, इंटरनल रेस्पायरेशन, RES को मैं ऐसे लिख देता हूँ, इंटरनल रेस्पायरेशन को क्या है? डिवाइड किया गया है किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है? जो पहला पार्ट है वो क्या है? ग्लाइकोलिसिस। क्या है? ग्लाइकोलिसिस ओके साइकिल, ग्लाइकोलिसिस साइकिल। और जो दूसरा वाला जो पार्ट है, ये पहला पार्ट हो गया, और जो दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं क्रैब्स साइकिल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? क्रैब्स, KREB, और इसी में अपॉस्ट्रोफी एस है, क्रैब्स साइकिल, दैट इज क्रैब्स चक्र। इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस चक्र, और इसको बोलते हैं क्रैब्स चक्र। तो सबसे पहले एक एक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्लाइकोलिसिस साइकिल होता क्या है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा ग्लाइकोलिसिस साइकिल। क्या हेडिंग डालेंगे? ग्लाइकोलिसिस साइकिल, ग्लाइकोलिसिस साइकिल, या हिंदी में लिखेंगे ग्लाइकोलिसिस चक्र। तो ग्लाइकोलिसिस होता क्या है? सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस, पहला पॉइंट लिखेंगे जो ग्लाइकोलिसिस चक्र है, बस जितना मैं बोलूं उतना लिखना है, इसके उसी इस हेडिंग के नीचे लिखिएगा, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। क्या होता है? अब्सेंस में होता है, अनुपस्थित में होता है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसी के आगे, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ पे होता है? कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है। यह कहाँ पे होता है? कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म। दूसरे पॉइंट में क्या लिखना है? कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका के साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ओके साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट इसके बाद लिखा हुआ, और ये जो प्रोसेस होता है, जो साइकिल है, कोई भी चीज है, अब जैसे ये साइकिल होगा इस तरीके से, एक ऐसे साइकिल होगा,
एक ऐसे साइकिल होगा जो भी एक फंक्शनिंग होगी, तो एक एरो ऐसे बनेगा ऐसे, तो जो भी ये साइकिल होगा तो एक क्या बनेगा, इधर एरो फिर इधर एरो, ये क्या इस तरीके से जाता रहेगा, तो ये एक ये पाथ बन जाएगा। ओके, क्या बन जाएगा, एक पाथ नुमा बन जाएगा, एक रास्ता बन जाएगा। तो इसी पाथ को बोलते क्या है, इस पाथ को उसके नीचे लिखेंगे, इस पाथ को या ऐसे पाथ को यानी ऐसे रास्ते को या पाथ को क्या बोलते हैं, ईएमपी, क्या बोलते हैं, ई डॉट एम पी, ई एम पी पाथवे, क्या बोलते हैं, ई एम पी पाथवे। ओके, इसको क्या बोलते हैं, ई एम पी पाथवे बोलते हैं। अब मैं सारी चीज़ों को लिखा देता हूँ। ई फॉर क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है, ई है, एम है, पी है, ई क्या है, एम्बडन, क्या है, ई फॉर, ई फॉर एम्बडन, एम्बडन। उसके बाद क्या है, इसके एम फॉर क्या है, मेयर हाफ, मेयर हाफ, और पी फॉर क्या है, पार्सन, पार्सन। ये क्या है, ई एम पी जो है पाथवे हो गया। ओके, तो ये एक प्रकार का पाथ होता है, तो उस पाथ को स्पेशली जो है बोलते क्या है, ई एम पी पाथवे बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी के आगे, जो ये ई एम पी पाथवे होता है, ये जो ग्लाइकोलिसिस जो साइकिल होता है, इस ग्लाइकोलिसिस साइकिल के दौरान, तो इसके आगे लिखिएगा, इसके दौरान टू पाइरुविक अम्ल, ये ध्यान से लिखिएगा, पाइरुविक अम्ल, जब ये ग्लाइकोलिसिस होती है तो क्या बनता है, पाइरुविक अम्ल बनता है, और प्लस और उसके कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दो बनते हैं। उसके दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, प्लस फोर एटीपी, ये क्या है, ऊर्जा के मॉलिक्यूल्स हैं, का निर्माण होता है। ओके, का निर्माण होता है। अब इसके आगे लिखिएगा, अब इसके क्या आगे क्या देखेंगे, जो ये फोर एटीपी जो था यहां पे, जो ये फोर एटीपी था, ये फोर एटीपी, फोर एटीपी जो था, एटीपी का मतलब क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है, ये इसको क्या लिखते हैं, एटीपी। ए फॉर क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या होता है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ओके, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ओके, तो जो यहाँ पे 4 ATP था, जो यहाँ पे जो ग्लाइकोलिसिस जो होता है, ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो ग्लाइकोलिसिस जो चक्र होता है, उस ग्लाइकोलिसिस चक्र के दौरान जो ये 2-pyruvic अम्ल बनता है, और जो है 4 ATP जो है एनर्जी का जो है निर्माण होता है, तो जो ये 4 ATP होता है, जरा ध्यान से देखना, इस 4 ATP में से जो है 2 ATP क्या होता है, ये 2 ATP वेस्ट हो जाता है, खर्च हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, ये खर्च हो जाता है। और जो ये 2 ATP है, खर्च कहाँ पे होता है, जो 2 ATP होता है, ये खर्च कहाँ पे होता है, तो कहाँ खर्च होता है, ये फास्फोरिलेशन में खर्च हो जाता है, फास्फोरिलेशन। ओके, मैं इसको भी बताता हूँ कि फास्फोरिलेशन है क्या, ये फास्फोरिलेशन में खर्च हो जाता है। तो ये फास्फोरिलेशन है क्या, फास्फोरिलेशन क्या है, एक प्रकार की बायोकेमिकल रिएक्शन है, क्या है, जैव रसायन क्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायो
केमिकल रिएक्शन। ओके, थोड़ा सा बुद्धि का भी यूज़ करना, उल्टा सीधा जो तुम लोग लिखते हो ना, बोलते हैं उसके बाद भी जो है उल्टा सीधा लिखोगे। फास्फोरिलेशन क्या होती है? एक जैव रसायन क्रिया होती है। ये जो जैव रसायन क्रिया किस तरह आपकी जो होती है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म जो है रिएक्शन होती है। इस जैव रसायन का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन। ओके, मेटाबॉलिक रिएक्शन इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, उपापचयी क्रियाएं, उपापचयी, उपापचयी क्रियाएं। ये जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं इनको भी इनको भी हम बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं फास्फोरिलेशन। तो इस फास्फोरिलेशन में क्या होता है, जो चार एटीपी जो बनता है, उस चार एटीपी में से जो है दो एटीपी खत्म हो जाता है। जब दो एटीपी खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना, जो शुद्ध बचेगा यानी टू पाइवरिक अम्ल बचेगा, और टू पाइवरिक अम्ल और प्लस कितना बचेगा, टू एटीपी। यानी जो शुद्ध बचेगी, जो बाद में बचेगी शेष, तो क्या बचेगी, दो एटीपी बचेगी। क्या बचेगी, दो एटीपी। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा था ग्लाइकोलिसिस चक्र था। तो ग्लाइकोलिसिस चक्र क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और कहाँ पे होता है, कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है, और कहाँ पे जो ये प्रोसेस होता है, जो पाथ होता है, जो रास्ता इस तरीके जो यानी कि एक पाथवे तैयार होता है, उसको ईएमपी पाथवे बोलते हैं। और इस ग्लाइकोलिसिस साइकिल के दौरान टू पाइवरिक अम्ल एंड प्लस फोर एटीपी जो है ऊर्जा का निर्माण होता है, और फिर उसके बाद क्या है कि इसमें से जो 2 ATP जो ऊर्जा है उसका यूज फास्फोरिलेशन में खर्च हो जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं क्रैब्स चक्र। किसके बारे में बात करते हैं, क्रैब्स चक्र। क्रैब्स चक्र, इस कलर को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं, कौन सा सही रहेगा ये। ओके, क्रैब्स चक्र हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, क्रैब्स चक्र। ओके, इसको हिंदी में बोलते हैं, के नहीं था वहां पे, सी रहेगा, क्रैब्स साइकिल। ओके, क्रैब्स साइकिल। अब मैं जितना बोलूं उतना उतना आप लोग लिखते जाइएगा। सबसे पहले क्रैब्स साइकिल में से इसकी जो है खोज, ये जो नाम रखा गया है क्रैब्स साइकिल का, तो किसके नाम पे रखा गया, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, तो लिख लीजिएगा इसका नामकरण सबसे पहले ब्रिटेन के वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक कौन थे, ब्रिटेन के थे, कहाँ के थे, ब्रिटेन के वैज्ञानिक हिंस क्रैब्स। क्या नाम था, हिंस क्रैब्स ने रखा हुआ था। एक तो ये हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, ये एक्चुअली में जो है क्रैब्स चक्र, जो है क्रैब्स साइकिल होता कहाँ पे है, तो उसी के नीचे पॉइंट लिख लीजिएगा, ये है माइटोकांड्रिया में संपन्न होता है। कहाँ पे होता है, ये है माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है। अब क्या होता है, अब इसी के नीचे लिख लीजिएगा, थोड़ा सा इसका रिलेशन है ग्लाइकोलिसिस से, तो इसी के नीचे लिख लीजिएगा, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के दौरान, इसी के नीचे लिख लीजिएगा, इसी में ही पॉइंट में है, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के दौरान दो जो पाइवरिक अम्ल बनता है, टू पाइवरिक अम्ल, पाइवीरुविक अम्ल, ये है इसको पाइवीरु अम्ल, जो इसके जो है पाइवरिक अम्ल के जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, तो जो दो मॉलिक्यूल, जो दो अणु होते हैं पाइवरिक अम्ल के, वो क्या करता है, ये जो है क्रैब्स चक्र में यूज होता है। तो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के दौरान बना दो पाइवरिक अम्ल क्रैब्स चक्र में प्रवेश करता है। क्या है, क्रैब्स चक्र में, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे लिखना, क्रैब्स चक्र में, क्रैब्स चक्र में प्रवेश करता है, या क्रैब्स चक्र में इसका यूज होता है। ओके, तो इसको जरा ऐसे देख लीजिएगा, ये क्या है, ये ग्लाइकोलिसिस है, ये क्या है, क्रैब्स चक्र है। इसमें जो दो एटीपी
जो है दो एटीपी जो है जो है टू पाइवरिक अम्ल जो बनेगा इस क्रैब्स चक्र के दौरान वो क्या होगा, जो बनकर के तैयार हुआ है जैसे क्रैब्स साइकिल स्टार्ट होगी तो उस क्रैब्स साइकिल में क्या है ये पाइवरिक अम्ल इंटर कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। बात को जरा समझने की, जब समझ में आ जाएगा तो सेंटेंस ऑटोमेटिक बन जाएगा। ग्लाइकोलिसिस जो साइकिल होती है उस ग्लाइकोलिसिस साइकिल के दौरान जो ये टू पाइवरिक अम्ल जो बनता है वो जो टू पाइवरिक अम्ल क्या होता है कहाँ पे जैसे क्रैब्स चक्र स्टार्ट होता है उसका जो है इंटर यहाँ पे जो दो मॉलिक्यूल्स होता है इसी के अंदर क्रैब्स साइकिल में, जैसे क्रैब्स साइकिल स्टार्ट हुई तो उसी में क्या है ये इन्वॉल्व हो जाता है, ये क्या है प्रवेश कर जाता है। अब इसके आगे लिखिएगा, थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो ऐसे समझा दूंगा जो आप लोग हमेशा याद रहेंगी, उनको जो है रटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लिख लीजिएगा कि थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करना। वन जो है वन लिखिए लिख लीजिएगा वन पाइवरिक अम्ल, थोड़ा सा मैं इसको शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। वन ये इसका मतलब क्या है, पाइवरिक अम्ल इज इक्वल टू क्या, जो वन पाइवरिक अम्ल जो होता है वो क्या है वो 18 ATP के यूज के होता है, 18 ATP। यानी जो वन पाइवरिक अम्ल जो होता है वो जनरेट करता है यानी उत्पन्न करता है 18 ATP एनर्जी। मतलब कि वन पाइवरिक अम्ल से 18 ATP एनर्जी का निर्माण किया जा सकता है, यानी 18 ATP अम्ल जो है 18 ATP की जो है ऊर्जा उसके बराबर जो है प्राप्त की जा सकती है। तो हमारे पास थे कितने, टू पाइवरिक अम्ल थे, तो इसके आगे लिखेंगे तो जो है दो पाइवरिक अम्ल कितना होगा, आप लोग कॉपी में पूरा लिखना, टू पाइवरिक अम्ल इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 × 36 ATP। बात समझ में आई। अब इसके बाद लिख लीजिएगा, अब इसके बाद ये लिख लीजिएगा कि जो है, अब जरा ध्यान देना, अब नीचे लिख लीजिएगा एक ग्लूकोज का जो अणु होता है, जो एक ग्लूकोज का अणु होता है मॉलिक्यूल्स होता है, वन ग्लूकोज के अणु, जब ये जो वन ये जो है एक ग्लूकोज का जो अणु होगा जब विखंडित होगा, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लीजिएगा, एक ग्लूकोज के अणु के विखंडन से प्राप्त एटीपी बराबर, एक ग्लूकोज के अणु के विखंडन से प्राप्त एटीपी बराबर कितना हो जाएगा, प्राप्त एटीपी बराबर 36, जरा मैं सबको समझाऊंगा एक तरफ से, जो है इजकल टू 36 + 2, जरा ध्यान देना 36 + 2 कितना होगा 36 + 2। अब जरा ध्यान देना 36 का मतलब क्या है, ये जो टू पाइवरिक अम्ल था पूरा एक ग्लूकोज के, मतलब क्या है टू पाइवरिक अम्ल। अब ये जो दो एटीपी आ रहा है कहाँ से आ रहा है, जरा मेमोराइज कीजिएगा, जो मैंने बताया था जो ये ग्लाइकोलिसिस जो होती है उस ग्लाइकोलिसिस में क्या होता था कि जो है टू पाइवरिक अम्ल बनते थे, जरा ध्यान देना ग्लाइकोलिसिस में क्या होता था टू पाइवरिक अम्ल बनते थे और +4 ATP बनता था, याद आ रहा होगा टू पाइवरिक अम्ल और 2 ATP बनता था। अब क्या है इस 2 ATP में बचा कितना था, कितना बचा था, दो बचा था, क्यों, क्योंकि जो 2 ATP था वो फास्फोरिलेशन में यूज हो गया। ये जो 2 ATP है ये क्या है, ये यहाँ पे है। अब ये 36 क्या है कि जो एक पाइवरिक जो ये एक ग्लूकोज जो है मॉलिक्यूल है, जो एक ग्लूकोज है उसमें क्या है पूरे पूरे 2 पाइवरिक अम्ल है, क्या है 2 पाइवरिक अम्ल है। तो अब यहाँ पे क्या है एक पाइवरिक अम्ल में क्या है 18 है, तो 2 पाइवरिक अम्ल में क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और जो पहले का जो 2 ATP बचा हुआ था तो ये हो गया। तो टोटल कितना हो गया 36 + 2 बराबर कितना हो गया 38, कितना हो गया प्यारे बच्चों 38 ATP हो गई। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं फिर से जो है स्पेशली समझा दूंगा। ये बात समझ में आई, यानी 36 ATP जो है वो क्या है इतनी जो है तैयार हुई, 36 + 38 एक ग्लूकोज के अणु से। ये क्या है कभी कभी इस तरीके से ये जो है यहाँ तक कि टेट के भी पेपर में पूछा जाता है, जो एक ग्लूकोज जो होता है उस एक ग्लूकोज में कितने ATP एनर्जी का जो है प्रोडक्शन होता है, तो कितना होता है आंसर जो आपका होगा वो 38 ATP आएगा। ओके, अब कुछ पॉइंट्स हैं उनको लिख लीजिएगा।
अब जो ये जो हमारा क्या है, फेफड़ा है, ये क्या है, इस तरीके से जो है हमारा जो है ऐसे ऐसे फेफड़ा है, ये। अब फेफड़े में क्या है, जैसे हमने क्या किया, फेफड़े में जैसे ऑक्सीजन, जैसे जैसे हम हवा लेते हैं, तो सामान्य दशा में फेफड़े में जो वायु प्रवेश करती है वो कितनी होती, जरा उनको लिख लीजिएगा, सामान्य इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हेडिंग डाल लीजिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य हेडिंग डाल लीजिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य, और पहला तथ्य लिखिएगा सामान्य दशा में फेफड़े में वायु, सामान्य दशा में फेफड़े में वायु कितनी होती है, 500 ml, 500 ml। ओके, इसको हम टाइडल वॉल्यूम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइडल टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। ओके, तो जो सामान्य दशा में जो है, हम जब सामान्य दशा में जो है फेफड़े में इतनी वायु रहती ही है। ओके, यानी जैसे हमने सांस नॉर्मली, हम जो सांस लिया करते हैं नॉर्मली, जैसे हम बैठे हैं तो सांस लिया करते हैं जनरली, तो वो उतनी उस कंडीशन में इतनी जो है वायु रहती ही है। अब इसके बाद लिख लीजिएगा, गहरी सांस लेने पर फेफड़ों में वायु कितनी हो जाएगी, 3500 ml। इसका मतलब भी वो भी वहां पे लिखेंगे हम जो है। अब इसको जो है वो टाइडल वॉल्यूम थी, अब ये क्या है, वाइटल वॉल्यूम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वाइटल वॉल्यूम, वाइटल वॉल्यूम। जैसे होता ना रिवाइटल का मतलब क्या, बूस्ट करना, तो वैसे ही क्या है, ये वाइटल हो गया, वो क्या था, टाइडल था। अब इसके बाद हेडिंग ना लीजिए, इसके बाद हेडिंग नहीं है, इसी नीचे लिख लीजिएगा। अब क्या है, प्रत्येक जो मैं बोला उसे लिख लीजिएगा, प्रत्येक दशा में फेफड़ों में लगभग, यानी कि जो है कितनी शेष बचती है, तो इसके बाद लिख लीजिएगा, प्रत्येक दशा में, एक तो सामान्य दशा में थी, जब गहरी सांस, यानी कि एक जो है एक बार हम जब खींचते हैं, यानी जैसे कोई भी होती है जब एकदम से हम जब सांस काफ़ी देर से, कंडीशन क्या है, जब काफ़ी देर से अगर हम नाक और मुंह को बंद कर लें और फिर उसके बाद सांस को रोक लें, रोकने के बाद जो है एकदम से हम गहरी सांस लेते हैं, तो कितनी होती है, 3500 होती है, यानी 3500 क्या करते हैं, हम अंदर खींचते हैं। ओके, अब क्या है, प्रत्येक दशा में जो है, जैसे कि जो बची हुई होती है, तो ये लिख लीजिएगा, प्रत्येक दशा में फेफड़ों में लगभग 2300 ml क्या है, वायु शेष रहती हमेशा, चाहे जो भी कंडीशन हो। जैसे हम सांस ले रहे हैं, सांस लेने बाद छोड़ दें, यानी जो है सांस लेना बंद कर दें, तो उस सांस लेना बंद करने की कंडीशन में भी जो है 2300 ml वायु शेष बची रहती है। ओके, तो जो ये बची रहती है, जो बची रहती है इसी फेफ जो बची रहती, तो उसी को हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। एक तो ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखना, जो नॉर्मल जो कंडीशन थी, नॉर्मल यानी क्या है, 500 क्या कर रहे थे, हम ले रहे थे 500, क्या है, किसी को कुछ पता नहीं, हम चुपचाप बैठे हैं, 500 ले रहे हैं, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं। ओके, अब क्या है, गहरी सांस, जैसे अब हमने क्या किया, एकदम से गहरी सांस ली, तो गहरी सांस जैसे लेंगे तो इतनी वायु हमारे अंदर इंटर करेगी और हमेशा परमानेंट हमारे फेफड़ों में इतनी जो है वायु रहती है। तो अगर कोई पूछे कि हमारे फेफड़ों की यानी कैपेसिटी कितनी है, टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी है, तो टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 5800 हो जाएगी। ओके, बात समझ में आई, यानी क्या है, इतनी तो हम लेते ही रहते हैं, सांस ही लेते हैं, इतनी आती है फिर जाती है, आती फिर जाती, 500, तो इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे कि हम एक साथ, यानी खूब, यानी कि एकदम से दम लगा करके खींच कितनी सकते हैं, 3500 खींच सकते हैं, और उसके बाद क्या होती है, 23 हमारी फेफड़ों में हमेशा रहती ही है, यानी इस इतनी तो रहेगी ही वायु, और तो जब इतनी रहेगी और इतनी हम खींच सकते हैं, तो कितनी लंग्स की कैपेसिटी है, तो 5800 है।
तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा कि टोटल लंग्स कैपेसिटी यानी फेफड़ों की क्षमता, ये इंग्लिश में लिख लीजिएगा, बहुत कठिन नहीं है। टोटल लंग्स कैपेसिटी, लंग्स कैपेसिटी इज इक्वल टू कितना है, 5800 ml। एक और छोटा सा पॉइंट है उसको कंप्लीट करते हैं, तो ये जो है हमारा, ये जो है रिस्पायरेशन का जो है पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, श्वसन गुणांक, श्वसन गुणांक, इसको श्वसन गुणांक को जो है शॉर्टकट में RQ बोलते हैं। और R फॉर क्या है, रेस्पायरेशन, आप लोग परिचित हैं रेस्पायरेशन से, रेस्पायरेशन, या इसको अगर लिखेंगे तो रेस्पायरेशन ना लिख करके हम इसको रेस्पायरेटरी लिख देते हैं, ओके, रेस्पायरेटरी, TORY, RESPIRATORY, रेस्पायरेटरी। और Q से क्या है, कोशियंट, जो कोशियंट हम लोग अनुपात वाला लिखते हैं बिल्कुल वही कोशियंट है, QUTIENT, ओके। तो क्या हो गया, आर क्यू मतलब क्या है, श्वसन गुणांक। तो RQ का एक फार्मूला है, आप लोग लिख लीजिएगा, RQ का फार्मूला क्या है, उत्सर्जित CO2 यानी उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड अपान में प्रयुक्त में लाई गई क्या, ऑक्सीजन, ओके, प्रयुक्त में लाई गई ऑक्सीजन। अब ये क्या है, इसके ऊपर एरो ऐसे बना दीजिएगा, इसके ऊपर एरो नीचे की ओर बना दीजिएगा। ऊपर की तरफ एरो मतलब क्या है, जो है उत्सर्जित ऑक्सीजन क्या है, बाहर निकलती है, और जो है ऑक्सीजन क्या है, अंदर आती है। तो इनहेल का जो हो गया हमने इस तरीके से एरो बना दिया, एक्सहेल का मतलब हो गया हमने ऊपर की ओर एरो बना दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ लिख लीजिएगा, कुछ पॉइंट्स हैं उनको लिख लीजिएगा। ग्लूकोज जो होता है, उस ग्लूकोज का जो RQ होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ग्लूकोज का RQ मान, ये क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं, RQ मान कितना होता है, 1 होता है, ओके। वसा दूसरा लिख लीजिएगा, वसा एंड प्रोटीन का कितना होता है, 1 से कम, कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 से कम। और जो सबसे अधिक होता है वो किसका होता है, कार्बोनिक अम्ल का, सबसे अधिक जो होता है कार्बोनिक अम्ल का होता है, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल का क्या होता है, 1 से अधिक, ये। तो ये यहीं पे जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और इसके बाद जो भी होगा हम लोग जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले आई होप एक आधी क्लास जो है मैथ की हम लोग जो है अटेंड करेंगे, हम लोग मैथ पढ़ते हैं, काफ़ी दिन हो गए हम लोगों ने मैथ नहीं पढ़ा हुआ है, तो मैथ की क्लास करते हैं, फिर उसके बाद जो है साइंस को फिर से जो है स्टार्ट करेंगे। और तो आप लोग इसको सही से समझ लेना, जो भी पॉइंट जो है, जिस भी पॉइंट में डाउट हो तो उसको जो है आप लोग लिखना, और सही लिखना, समझना, समझने के बाद सेंटेंस को सही से बनाना, ओके। तो टेक केयर, आप लोग जो है इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना जो नहीं किए हुए हैं, और कमेंट्स जरूर करना जहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो, ओके, थैंक यू, टेक केयर।